Hey guys, assalamu alaikum. This is Shahyar Mazhar. So today is my first vlog, as you can see, with the quality of the video and बाकी भी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, सो गाइज प्लीज़ डू अप्रिशिएट दैट. सेकेंडली, जो आज लोकेशन मैंने चूज़ की है अपने फर्स्ट व्लॉग के लिए, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द म्यूनसिपल लाइब्रेरी इन रावलपिंडी, विच इज़ लोकेटेड नियर टू माई हाउस. सो सम हाउ वी आर गोइंग टू शूट ओवर देयर, बट राइट नाउ लेट मी टेल यू, चूँकि मैं वहाँ पर बोल नहीं सकता, सो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक ओवर देयर, बट आई विल get you over to that library and give you all the information which is needed. So this video is not for those people who are actually a kind of you know, जो कि बोर हो जाते हैं, जो ज़्यादातर लाइब्रेरीज में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, बट वो लोग जो रीडिंग मटेरियल ढूंढते हैं एंड उनको लाइब्रेरीज नहीं मिलती, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए. सो काइंडली डू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, आई एम गोइंग इन टू द लाइब्रेरी स्ट्रेट अवे एंड गेट यू ओवर टू द फर्स्ट फ्लोर. थैंक यू. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम. सो ये है हमारी म्यूनसिपल लाइब्रेरी की मेन एंट्रेंस, जो कि लियाकत बाग मरी रोड पर वाक़ है. चलें अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं. ये हैं जी हमारे मैप्स, और इसके आगे हमारी फ़र्स्ट रो शुरू हो जाती है फ़र्स्ट हॉल की. इस लाइब्रेरी में तकरीबन 3 से 4 हॉल्स हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी पीस है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, खामोशी रहती है, जो कि इस लाइब्रेरी को मज़ीद इन्हांस करती है. इस लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, फिक, लिटरेचर, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा नॉवेल्स, स्टोरीज, शायरी, कुरान, तालीम, सहाबा, हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे बुक्स मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. अगर मैं इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप की बात करूँ, तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप आपको इस तरह मिल सकती है कि आपको 2 एनवेलप्स जो कि पोस्ट ऑफिस से लेने हैं, उसके साथ आपको लाइब्रेरी आना है प्रोसीजर पूछने के लिए. इस लाइब्रेरी में वैसे तो रीडिंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो हजरात घर पर बैठ के बुक्स पढ़ना चाहते हैं रावलपिंडी की ही लोकेशन के अंदर, मे बी इस्लामाबाद को भी शायद ही अलाउ करते हैं, तो उनको अपने साथ मेंबरशिप लेनी पड़ती है ताकि उनके घर पर पोस्ट की जा सके. इस लाइब्रेरी के निज़ाम की बात की जाए तो खामोशी और किताबें और ख़जाना तो बहुत बड़ा है, लेकिन लाइब्रेरीज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं की जाती. यहाँ बैठे लोग सिर्फ स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर अखबार पढ़ने वाले बूढ़े हजरात जो सुबह सुबह आकर अखबार पढ़ते हैं, और इन किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता. इसी वजह से इन किताबों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. अगर आप इन लाइब्रेरीज़ की हालत देखें तो आप देख सकते हैं कि शायद इनको या तो किसी ने बहुत टाइम से पढ़ा ही नहीं है, या तो लोग इसमें दिलचस्पी रखते ही नहीं है. हालांकि इतना बड़ा ख़जाना है एंड रीडर्स के लिए ये सबसे फेवरेट जगह होनी चाहिए. अगर वीडियो और लाइब्रेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई रिव्यू एंड माई चैनल एज वेल, एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकॉन सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.